आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड एडमिशन 2024 के बारे में बीएड के एडमिशन शुरू हो गए हैं डी में क्या सारा प्रोसेस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एग्ज़ाम पैटर्न तक वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों डेली यूनिवर्सिटी में जो बी है वो चार अलग अलग कॉलेज़ में करवाया जाता है एक आपका है लेडी इरविन कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेंस के लिए होता है दोस्तों और यहाँ जो बी होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ होम साइंस में करवाया जाता है इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है यहाँ पर कोवेड है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं और इन सभी डोमेन्स में यहाँ पर बी करवाया जाता है इसके बाद आपका एम आता है ये भी आपका कोएड कॉलेज है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है इसका आई थिंक नाम और यहाँ पर भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स में जो बीएड है वो करवाया जाता है सीट्स भी आपके सामने लिखी हुई इसके अलावा एक और कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन ये कॉलेज अगेन वुमेन्स के लिए है और यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में जो बीएड है वो करवाया जाता है तो चार कॉलेजेस हैं बीएड के टोटल 438 सीट्स हैं लेकिन इन 438 सीट्स में से भी जो अराउंड लगभग लगभग एक या एक सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं ये लेडी इरविन कॉलेज में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में और ये दोनों कॉलेज आपके कोविड है जहाँ पे वुमेंस और बॉयज़ दोनों ही एडमिशन ले सकती हैं इसकी बात करते हैं दोस्तों ये एनुअल फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एक साल की फ़ीस छः हज़ार नौ सौ दस रुपये है और लेडी इरविन कॉलेज में चालीस हज़ार है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज कॉलेज में सत्रह हज़ार चार सौ और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आठ हज़ार चार सौ रुपये बी एड प्रोग्राम की एक साल की फ़ीस है तो बीएड में जो एडमिशन है वो इस बार सीयूटी के थ्रू होंगे मतलब तो पिछले साल से ही सीयूटी के थ्रू हो रहे हैं तो सीयूटी का फॉर्म भरा जाएगा सबसे पहले जिसकी फीस बारह सौ रुपए है ठीक है सी का रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम दे दोगे उसके बाद डी का काउंसलिंग फॉर्म भरा जाता है जिसकी फीस ढाई सौ है तो ये दोनों फीस भी आप इंक्लूड करते हुए चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो जी सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट के पास 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए या तो बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में सोशल साइंस साइंस ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स इस फील्ड में या फिर अगर आपके पास मैथमेटिक या टेक्नोलॉजी की फील्ड में बैचलर डिग्री है तो उसमें पचपन परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए पहले तो क्राइटेरिया ये आपको फुलफिल करना है और राइट right. उसके बाद क्या है दूसरा क्राइटेरिया ये है आपका पेडोगोजी कोर्स जी हां पेडोगोजी कोर्स जो आप बी में चूज करोगे उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज रखी गई हैं अब यहाँ पे इस चीज को समझिए बहुत ध्यान से कैंडिडेट हु हैव टू चूज वन सब्जेक्ट कैटेगरी रिस्पेक्टिव सीयूटी पेपर फ्रॉम टेबल वन कैंडिडेट मस्ट है क्वालिफाइंग डिग्री बैचलर और मास्टर फॉर एटलीस्ट टू हंड्रेड मार्क्स इस पॉइंट का मतलब ये है आपको जिस सब्जेक्ट में बी एड करना है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने या तो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कम से कम दो सौ मार्क्स का या फिर अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो बारह क्रेडिट्स का पड़ा होना चाहिए और उसमें कम से कम आपके पचास परसेंट मार्क्स होने चाहिए दिस सब्जेक्ट कैटेगरी चूजन बाय द कैंडिडेट विल बी कंसिडर फाइनल फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट आप जो भी सब्जेक्ट कैटेगरी चूज करोगे वो फाइनल रहेगी और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कि बी एड किन किन सब्जेक्ट में ऑफर किया जाता है इस चीज़ को ध्यान से समझिए दोस्तों और एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा देखिए जब आप सी का फॉर्म भरोगे तो आप ये सेलेक्ट करोगे पेडागोजी एक्चुअल सब्जेक्ट आपको किसमें बी एड करना है ये वाला ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब काउंसिलिंग फॉर्म निकलेगा उसमें आएगा राइट सी right, का फॉर्म भरते समय अगर आप मल्टीपल कोर्स के लिए एलिजिबल हो बीएड में तो आप दे सकते हो एग्जाम लेकिन डी के काउंसलिंग फॉर्म में सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना होगा इस बात का ध्यान रखिएगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपने ग्रेजुएशन करी है फॉर एग्जाम्पल बी प्रोग्राम से उसमें आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है आप इकोनॉमिक्स में बी करने के लिए एलिजिबल हो लेकिन साथ साथ आपने लैंग्वेज भी पढ़ी है उसमें इंग्लिश तो इंग्लिश के लिए भी आप एलिजिबल हो तो जब सी यू टी का फॉर्म निकलेगा तो आपको लैंग्वेज का भी और सोशल साइंस का भी दोनों का आप बी एड का एंट्रेंस दे सकते हो अलग अलग होगा जी दोनों का एंट्रेंस लेकिन जब डी यू का काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा देन यू हैव टू डिसाइड कि फाइनली आपको सोशल साइंस में करना है बी एड या फिर लैंग्वेज में करना है सोशल साइंस के अंदर भी अलग अलग जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें से डिसाइड करना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ फिलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग फॉर्म जो कि सी के रिजल्ट के बाद रिलीज होगा लेकिन सी के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन चीजें आपको चूज करनी है अब जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात हो रही थी उसको समझिए आपने जिस सब्जेक्ट में बी करना है इनमें से ये आपके सामने सब्जेक्ट्स की लिस्ट है ये सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कम से कम 200 सब्जेक्ट का पढ़ा होना चाहिए प्लस अगर आप कॉमर्स में बी करना चाहते हो तो बी से बात नहीं चलेगी इसके लिए एम जरूरी है बी वाले कॉमर्स में बी नहीं कर सकते वो किसी लैंग्वेज में बी कर सकते हैं अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है तो या अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने इकोनॉमिकॉम में तो उसमें आप बी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैं आपको दिखा देता हूं होम साइंस तो यार देखो जो होम साइंस में अगर बी करना चाहता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन ये है वेयर बी एस होम साइंस या एम एस होम साइंस या बी बी बैचलर ऑफ ऑनर्स साइंस या मास्टर ऑफ ऑनर्स होम साइंस ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होम साइंस के लिए कैंडिडेट विद बी ए और एम ए इन मैथेमेटिक और बी कॉम पास ऑनर्स विल ऑल्सो एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ मैथमेटिक और कैंडिडेट विद एम कॉम विल भी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉमर्स यहाँ पे दोस्तों अब आप एक आपका मैथमेटिक पैटागॉजी है इसमें यह बता रहे हैं कि अगर आपने बी ए प्रोग्राम किया है उसमें मैथमेटिक सब्जेक्ट आपने कम से कम दो बार पढ़ा हुआ है दो सौ मार्क्स का या बारह क्रेडिट का तो आप मैथमेटिक पैटागॉजी भी चूज कर सकते हो ये बात बता रहे हैं ये लोग ठीक है जनरली ये कहा जाता होगा यार इसमें बी एस सी ऑनर्स मैथ मैथ वाले एलिजिबल होंगे नहीं ऐसी बात नहीं है दूसरी बात ये है कि मान लो आपने बी ए प्रोग्राम कराए बी ए प्रोग्राम में इनमें से कोई भाई कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है दो बार ऑल राइट right, दो बार पढ़ा हुआ है तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में आप बी एड कर सकती हो अगर मान लो आपने हिस्ट्री और पोलिसंस दोनों ही पढ़े हुए हैं बी ए प्रोग्राम में तो आपकी मर्जी है तो हिस्ट्री में कर लो या साइंस में कर लो चूँकि ये सोशल साइंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इसका एंट्रेंस एक ही होगा आपका ठीक है याद रखिएगा डी यू जब फॉर्म निकलेगा तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट की आपको रेफरेंस में देना पड़ेगा इसके बाद क्या कह रहे हैं जी ठीक है अब यहाँ पे कुछ सजेशन दिए हुए हैं यहाँ पे अगेन सजेशन दिए हुए हैं कि जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट डिग्री बी प्रोग्राम करके आ रहा है उसको सोशल साइंस चूज करना है अपना पेडेगोजी वन ऑप्शन और पेडेगोजी टू ऑप्शन भी कहने का मतलब यह है कि जो पेडेगोजी ये सोशल साइंस वाले के अंदर एक और ऑप्शन होगा सोशल साइंस इसमें ये लोग बता रहे हैं कि पेडोगलॉजी वन और टू सोशल साइंस चूज कर सकता है अगर जिसने बीए प्रोग्राम किया है ठीक है ये सजेशन दे रहा है लेकिन बीए प्रोग्राम में अगर हिस्ट्री पॉल साइंस स्पेसिफिकली पढ़ा हुआ है तो वो भी आप चूज कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरे पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं अगर कोई बच्चा बी जनरल के बेसिस पर अप्लाई करेगा तो साइंस चूज करे पेडोगोजी वन और पेडोगोजी टू ऑप्शन देखिए साइंस के अंदर एक ऑप्शन साइंस का भी होना चाहिए तो इसलिए ये लोग बात बता रहे हैं लेकिन इसमें ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा साइंस का तो जो बच्चे बीएससी में बीएड जिसने बीएससी जिसने करा है जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो इसमें से ले सकते हो अगर आपने वो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ा हुआ है हाँ ये है आपका बीएससी करा है मैथमेटिक के साथ तो मैथमेटिक आप चूज कर सकते हो और मैथमेटिक अगेन आई रिपीट बी में अगर मैथ्स आपने पढ़ा है तो आप मैथमेटिक ले सकते हो और जो बच्चा बी कॉम के बेसिस पर अप्लाई कर रहा है वो कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर बात लिखी गई है और नीचे आओगे गया हाउ एवर अगर आपने ग्रेजुएशन में बी कॉम या बॉम ऑनर्स में हिस्ट्री जोग्राफी पोल साइंस इकोनॉमिक्स या इंग्लिश या हिंदी वगैरह या संस्कृत वगैरह सब्जेक्ट पढ़ाए तो उसको आप एज़ अ टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हो ये इसमें बात लिखी गई है फिर नीचे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है किसी ऑनर्स प्रोग्राम में बी ऑनर्स या बी ऑनर्स में तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स कराए वो सब्जेक्ट आप एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे ऑल और इसी तरीके से यहाँ पे और भी लैंग्वेज में अगर बीए ए ऑनर्स किया तो जिस लैंग्वेज में क्या वो लैंग्वेज आप ले सकते हो ठीक है लैंग्वेज लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट में बीए ए ऑनर्स किया हो बीए प्रोग्राम में अगर या बीकॉम प्रोग्राम में लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आप बीएड में ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और राइट इसी तरीके से यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी गई हैं मास्टर के बेसिस पर आप क्या लोगे एम वाले कॉमर्स ले सकते हैं तो वो सब चीज़ें हैं आप इसको डिटेल में रीड आउट कर सकते हो अब मैं आपको एक बार कोड बता देता हूँ वैसे कोड की आपकी परेशानी नहीं आएगी इस बार सी यू टी के फॉर्म में इन लोगों ने इंटरफेस काफी चेंज कर दिया कोड अपने आप ही पकड़ लेगा आपको आपको एक्चुअल कोड नहीं सेलेक्ट करना उसमें आपके पास ऑप्शन इस तरीके से आएंगे यहाँ पर आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्चुअल अपना बे एड का कोर्स सेलेक्ट करना होगा या कोई और कोर्स आप कर रहे हो तो वहाँ पर लिखा रहेगा बी एड या बड सोशल साइंस या बी एड साइंस या बड मैथमेटिक्स या फिर एक जगह लिखा रहेगा सिर्फ बड तो उसके लिए है वो इसके लिए है ये वाला अगर आप कॉमर्स अदर लैंग्वेज जिसमें पंजाबी उर्दू या फिर होम साइंस में बी एड कर रहे हो तो आप वाला ऑप्शन चूज करोगे उसमें सी ओ क्यू पी जीरो थ्री कोड अपने आप ही लिखकर आ जाएगा ठीक है अगर आप सोशल साइंस में बी एड कर रहे हो तो आपको सी ओ क्यू पी जीरो फोर कोड चूज करना है लैंग्वेज में कर रहे हो तो सी ओ क्यू पी जीरो फाइव चूज करना है मैथमेटिक्स में कर रहे हो तो सी ओ क्यू पी जीरो सिक्स चूज करना है और अगर आप साइंस में कर रहे हो तो सी ओ क्यू पी जीरो सेवन चूज करना है अगेन रिपीट कर देता हूँ सी यू टी के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ये कैटेगरी चूज करनी है आपको जब एक्चुअल डी यू का काउंसिलिंग फॉर्म निकलेगा तब यहाँ

फॉर्म फिर करते टाइम देनी होगी ऑल राइट अच्छा अब यहाँ पर आ गए हम यहाँ जाएंगे मेन्यू के सेक्शन में यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन रहेगा यहाँ आप लोग जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे बी एड बी से शुरू होता है तो यहाँ पर एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है तो पहला वाला जो ऑप्शन है बी का इसकी हम पी डाउनलोड करते हैं इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर कोड सहित सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी ये देखिए सी ओ क्यू पी थ्री यानी कि ये जो सिलेबस है ये कॉमर्स होम साइंस पंजाबी संस्कृत और उर्दू के लिए है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं और ये सब चीज़ें आपकी कवर होंगी ठीक है ये हो गया सिलेबस इसका इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का है इसको आप डाउनलोड करोगे ठीक है कोई सा भी आप बी कर रहे हो पिछहत्तर क्वेश्चन ही समय में आएंगे यहाँ पे देखो इन सब चीज़ों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है और बी लैंग्वेज का आ गया अच्छा लैंग्वेज में एक दिक्कत है जी मान लो आपको इंग्लिश में बी करना है दिक्कत क्या है मान लो आपको इंग्लिश में बी करना है लेकिन आपसे तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी या फिर आपको हिंदी में बी करना है फिर भी आपको तीनों का एग्जाम देना है सिमिलरली जो मैंने सोशल साइंस का भी डिस्कस किया था सोशल साइंस में मान लो आपको बी एड करना आपका टारगेट पोलिटिकल साइंस है लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट का भी ये कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा द एंट्रेंस कॉमन है सबको एग्जाम देना पड़ेगा फिर यहां पे बी एड मैथमेटिक का है और साइंस का है अब यहां पे फिलहाल के लिए साइंस के अंदर मैथमेटिक का खुलेगा और मैथ्स के अंदर साइंस का खुलेगा देखिए मैंने साइंस का खोला तो मैथमेटिक का आ गया तो मैथमेटिक का ही है यह सब चीज़ें कवर होंगी ठीक है इसी तरीके से साइंस वाला आप खोल सकते हो हालांकि अभी इस वक्त मैथ्स के अंदर साइंस का ऑप्शन आ रहा है और राइट यहाँ पर मैथ्स और साइंस में थोड़ा कोड में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है सी यू टी के फॉर्म में तो उस कंफ्यूजन को फिलहाल के लिए डिनाई करें क्योंकि आप सी यू डी के फॉर्म में डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट चूज करना है अपना तो कोड की ऐसी दिक्कत आपकी आएगी नहीं बस कोड आप दिमाग में रखना क्योंकि कोड अल्टीमेटली अगले स्टेप में जाकर आपको चूज करना जरूर पड़ता है और जाने वाले हैं इसका ब्रीफ एडमिशन प्रोसेस देखिए जी सबसे पहले आपको सी यू डी का फॉर्म भरना है जिसकी लास्ट डेट चौबीस जनवरी है बारह सौ रुपये एप्लीकेशन फीस है कुछ रिलैक्सेशन भी मिल सकता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बी एड के फॉर्म में अपना कोड बहुत केयरफुली चूज़ करें कोड वाली बात मैं कर चुका हूँ वीडियो के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोड चूज़ होगा तो उस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें और ये टीचिंग सब्जेक्ट आपका डी के एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ होगा और राइट काउंसिलिंग वाले फॉर्म में तो जो सी का फॉर्म भरोगे सी का एंट्रेंस दोगे जो कि ग्यारह से अट्ठाईस मार्च के बीच होगा फिर उसका सी का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा रिजल्ट आ गया उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसिलिंग वाला फॉर्म शुरू करेगी उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा अपनी पर्सनल डिटेल एकेडमिक डिटेल और भी रिलेवेंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी और इसमें आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करोगे ठीक है ओनली वन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो दोबारा रिपीट कर सकता हूँ मैं सोशल साइंस का अगर आप बी का एग्जाम देकर आए हो तो अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा सोशल साइंस में किस आपको सब्जेक्ट में बीएड करना है पोल साइंस या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या जोग्रफी और राइट ये यहाँ पर आप चूज करोगे इस वाले फॉर्म में और प्रोवाइड योर रिलेवेंट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें मांगेंगी आपसे टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट सी का स्कोर कार्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हीं को देना होगा जिनकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के डी के अलावा और रिजर्व कैटेगरी में अगर आप ओ या ई से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए और सी यू टी स्कोर कार्ड तो आपका सी यू टी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये फॉर्म निकलते हैं तो सी यू डी का स्कोर कार्ड आपको इसमें चाहिए होगा तो ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे और इसमें आप एक आप प्रेफरेंस भी सेट करोगे प्रिफ्रेंस कितना सेट होता है देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो वो सब्जेक्ट बी के अंदर दो कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है तो उनका प्रेफरेंस जैसे आपको करना right. सेट करना होगा फर्स्ट प्रेफरेंस प्रीफरेंस पर कॉलेज है सेकेंड पर यारा कॉलेज है ऑल राइट ये प्रेफरेंस सेट करना होगा आपको और फीस भरनी होगी इसके बाद आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आता है उसमें आपको बताया जाता है कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई अगर आपको सीट अलॉट हुई होती है तो सारा प्रोसीजर आपको ऑनलाइन करना होता है ऑनलाइन आपको वहां पे अप्लाई करना होता, होता है डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होते हैं देन आपको वहां पे फीस पेमेंट करनी होती है अगर आपका कुछ सीट अलॉट नहीं होती किसी भी राउंड में तो आपको फिर अगले राउंड का वेट करना होता है अल्टीमेटली आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो ये डिटेल प्रोसीजर है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन 2024 का